देखें, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल के अंदर स्पेशल पेस्ट। स्पेशल पेस्ट का क्या काम होता है? देखिए, अगर मैं अपने सारे डाटा को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी की मदद से और यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर देता हूँ, तो जैसा डाटा वहां पे हमारे पास था सेम डाटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। क्लियर? इस चीज को तो सब लोग यूज कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। देखें, अगर मैं इसे कॉपी किया रहने देता हूँ, अगर मैं इस बार को खोलता हूँ, तो इसमें पहले वाला ऑप्शन तो हमारा जो सिंपल पेस्ट है ये वही है। हम दूसरे वाला ऑप्शन देखते हैं फॉर्मूलाज, ये किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो उसने ये वाला सारा रिकॉर्ड का इधर यही रिकॉर्ड हमें दोबारा से दे दिया है। लेकिन देखें, हमें सारे फार्मूलाज हमें वैसे ही दे दिए हैं, ये जो जो फार्मूला थे हमारे फार्मूलाज वैसे ही है। लेकिन आपने एक चीज गौर की होगी, टोटल एब्सेंट, यहाँ पे हमने वहां पे रैप टेक्स्ट किया होता है, यहाँ पे सारे रैप टेक्स्ट खत्म हो गए, यानी कि फॉर्मेटिंग खत्म हो गई, सिर्फ फार्मूलाज दिए हैं और हमें वैल्यूज दे दी हैं। और उसके बाद देखें इधर 10500.00, अब 0.00 यहाँ पे नहीं उसने हमें दिया और यहाँ पे भी नहीं हमें दिया। ठीक है, तो मतलब क्या कि हमें सिर्फ फॉर्मूलाज मिल गए हैं। अगर मैं इसे खत्म कर देता हूँ, यहां से डेल की मदद से मैं इसे खत्म कर रहा हूँ, इसे ही दोबारा मैं सारे को कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जाके A20 सेल पे अब ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप गौर करें कि हमें यहाँ पे अब जो नंबर्स थे पॉइंट के बाद वाले जितने डिजिट से हमें उसने वो भी शो कर दिए और हमारे फॉर्मूलाज भी हमें शो कर दिए। देखें, फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूलाज शो हो रहे होंगे। क्लियर? उम्मीद है आपको इस चीज की अभी तक समझ आ गई होगी। उसके बाद वाला हमारा आप तीसरा टॉपिक है, अगर मैं इसे कंट्रोल सी कर देता हूँ और यहाँ पे ही दोबारा E20 सेल में मैं अपने सेल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं जाके फोर्थ नंबर वाला जो ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसमें देखें क्या हुआ, इसमें हमें उसने सारे का सारा वैसे ही फॉर्मेट दे दिया जैसे था, जैसे का फॉर्मेट था सेम वैसा ही फॉर्मेट दे दिया। ठीक है, हमें फॉर्मूलाज भी दे दिए और हमें हमारे नेम भी दे दिए। क्लियर? आई होप इस चीज की आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद मैं दोबारा इसी को कॉपी करता हूँ और मैं फिफ्थ वाले ऑप्शन पे चले जाता हूँ, नो बॉर्डर्स। अब देखें, जितना मेरा ये डाटा था इसमें से उसने ये सारे बॉर्डर्स को खत्म कर दिया, जितने ये बॉर्डर थे उसे खत्म करके हमें डाटा ब्लैंक में दे दिया। क्लियर? अगर मैं इसे कंट्रोल जी करने के बाद मैं कीप सोर्स कॉलम विड्थ पे जाता हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही हमने इसे कीप सोर्स कॉलम विड्थ को क्लिक किया तो हमारे पास जितनी विड्थ इस सेल की थी उतनी ही विड्थ आई। अब देखिए, अगर मैं इसे यहाँ पे जाके एक सिंपल पेस्ट कर रहा हूं तो देखिए ये वाला नाम इधर पूरा नहीं आ रहा, ये वाले डिजिट्स इधर पूरे नहीं आ रहे। लेकिन मैं अगर यही फॉर्मूला यही कॉपी किया हुआ डाटा कीप सोर्स कॉलम विड्थ के जरिए से यहाँ पे फिल करता हूँ तो उसने ऑटो ही खुद ब खुद सारे के सारे कॉलम्स की विड्थ को एडजस्ट कर दिया जितनी हमने यहाँ पे एडजस्ट की थी। आई होप आपको इस चीज की समझ आ रही होगी और आपको ये लेक्चर भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। उसके बाद आ गया ट्रांसपोज। अब ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है, आप जैसे ही इसके ऊपर कर्सर लेके गए आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। इसके रिजल्ट से इसने क्या किया, हमारा रोज वाला डाटा कॉलम्स में और कॉलम्स वाला डाटा रोज में कन्वर्ट कर दिया खुद ब खुद। अब देखिए, हमारे जो नाम थे, अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे जो हमारे नाम थे जो कॉलम्स में थे वो इस शेप में आ गए और जो डाटा इस शेप में था जो रोज में था वो कॉलम्स में आ गया और जो कॉलम्स में था वो रो में हमारे पास आ गया। तो इस चीज की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पेश आ सकती है। क्लियर? उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन में जाता हूं वैल्यूज, अब देखिए हम वैल्यूज, ये था हमारा पेस्ट के ऑप्शन, अब आ गया पेस्ट वैल्यूज। पेस्ट वैल्यूज के ऑप्शन क्या होते हैं, मैं अगर सिर्फ वैल्यूज लेना चाहता हूँ,
अब इसका क्या मतलब होगा? अब मेरे जितने फॉर्मूलाज लगे थे वो सारे हो गए खत्म। मैंने अगर किसी को शीट ऐसी देनी है जिसमें मैंने उसे फॉर्मूलाज नहीं देने, मैंने जस्ट वैल्यूज देनी है, तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और जस्ट उसे वैल्यूज पेस्ट करके यहाँ पे दे दूंगा। इसमें अब कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज ही है हमारे पास। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आ गए वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अब देखिए, जो हमने पहले वैल्यूज दी थी, मैं अगर दोबारा इधर आपको वो वाली वैल्यूज दोबारा लगा के दिखा दूं, आई होप आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। इसमें अब उसने हमारे पास नंबर की जो फॉर्मेटिंग थी वो नहीं दी थी, तो इसमें हमें नंबर की फॉर्मेटिंग अगेन मिल गई है। आई होप आपको इन दो ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, अगर हम उसे A20 सेल पे दोबारा लगा के देख देखें, अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक वैल्यूज वाला ऑप्शन देता हूँ जो कि हमारा ये था, इसने क्या किया, हमें सिंपल वैल्यूज दे दी। क्लियर? इसने क्या किया, इसने हमें उसकी फॉर्मेटिंग दे दी, ठीक है, नंबर फॉर्मेट। लेकिन इसने उसकी विड्थ, जैसे कि हमने पहले देखा था, विड्थ और हाइट हर चीज क्लियर करके दे दी। तो आई होप आपको इस तीसरे ऑप्शन की भी समझ आ गई होगी। इस फॉर्मेटिंग के साथ हमारे पास वैल्यू ऑफ सोर्स फॉर्मेटिंग जो है, इसके साथ क्या होता है कि हमारी जितनी विड्थ और जितना सारा डाटा उसकी फॉर्मेटिंग होती है, हमारे पास एज यूजल वैसे ही आ जाती है। क्लियर? आई होप इन चीजों की आपको समझ आ रही होगी। इस वीडियो के ऊपर एक लाइक तो आप लोगों का बनता है। उसके बाद हम देखते हैं अदर पेस्ट ऑप्शन। ये पेस्ट ऑप्शन क्या होते हैं, जैसे मेरा ये सारा डाटा पहले है मेरे पास अवेलेबल है, जिस फॉर्मेट में है, सिर्फ मैं उसकी फॉर्मेटिंग चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो देखिए हमारे पास उसका सिर्फ फॉर्मेट आ गया, कोई वैल्यू नहीं आई, कोई डेटा नहीं आया, सिर्फ उसका फॉर्मेट हमारे पास आ गया है। क्लियर? अगर मैं अनडू करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ, पेस्ट लिंक कर देता हूँ। अब इसका क्या मकसद होता है, देखिए पेस्ट लिंक करने से क्या होता है, अगर मैं इधर जाके कोई वैल्यू चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऑटो खुद ब खुद चेंज होगी। ये वैल्यूज ऐसी क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में आ गई हैं, ठीक है, इन्हें हम यहाँ से जाके खुद नॉर्मल वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये खैर एक अलग टॉपिक है और इसकी एक अलग वीडियो अवेलेबल है। क्लियर? उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ और चेंज करता हूँ, तो ऑटो यहाँ पे खुद ब खुद चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे भी कुछ चेंज करूंगा, तो वो यहाँ पे भी उसकी चेंजिंग होगी। क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पिक्चर। अब देखें हमने जितना डाटा था उसकी एक पिक्चर बना ली है, पिक्चर को पकड़ के हम जितना मर्जी बड़ा छोटा कर सकते हैं, जहां मर्जी लेके जा सकते हैं, हम अपने सारे डाटा को एक पिक्चर की फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं, तो है ना इंटरेस्टिंग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लिंक एंड पिक्चर। अब ये है तो पिक्चर ही है, ठीक है ये पिक्चर ही है, लेकिन इसका उसके साथ हमने लिंक कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे जाके टू देता हूँ, तो देखिए हमारे पिक्चर में भी वो एरिया सारा चेंज हो रहा है। आई होप इस चीज की आपको समझ आ रही होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।